बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेविंग मशीन का जीरो कर दूं, ये जीरो हो गया। उसके बाद मसूर की दाल साबित वाली, साबित मसूर 150 ग्राम मैंने ली है, और ये जनाब वाली व्हाइट माश है 50 ग्राम, सॉरी साबित मसूर 50 ग्राम, और ये व्हाइट जो है ये मैंने 50 ग्राम दी है, और दोनों को जो है मैं पानी के अंदर भिगो दूंगा तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए, आधे से एक घंटे के लिए। दोनों दालें साबित मसूर और माश की व्हाइट दाल, दोनों दालों में पानी डाल दिया, और ये आधा एक घंटे तक भिगती रहेंगी, और भिगने के बाद जनाब आजी को हम निकालेंगे। ये भीग चुकी, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। पानी डाल दिया, मेरी पोती जो है वो पीछे पोत रही है, वो पानी में आटा डाला है और उसका काम तमाम और सुसुख कर रही है, हमने निकाल दिया। अब जब हम दाल निकाल लेंगे, ये हमने दाल निकाल दी, अब ये भीगी हुई दाल, ये जनाब भीगी हुई दाल, उस पानी को फेंक दिया मैंने, और इसमें एक प्याली रख दी ताकि ये छन्ना मेरा ऊपर रहे और ये दाल निथर जाए। कम से कम 10 मिनट ऐसे निथारेंगे ताकि तमाम पानी इसका निथर जाए। ये वो मिर्चें हैं जो मैं ला के रख देता हूँ, और ये लाल हो गई, देखें ऊपर से लाल हो गई, नीचे हरी होंगी। हम इसमें से एक दो हरी मिर्चें निकालेंगे, मैं एक दो हरी मिर्चें निकालूंगा। ये दो हरी मिर्चें मैंने इसमें से निकाली जिसकी हम कटिंग करेंगे। मैं जब भी लाल मिर्चों की चटनी बनाता हूँ तो इसी तरह हरी मिर्चें ला के रख देता हूँ, और वो हरी मिर्चें थोड़े दिनों में ही लाल हो जाती हैं, तो ताज़ी लाल मिर्च होती है, फिर उसकी है ना आप चटनी बनाए। दुनिया मैं है ना काम कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आओ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। ये मेरी पोती जो है सास चिपटी रहती है, और वो पीछे वो मुसलसल एक आटे का लेके उसको पानी के बर्तन में डाल के और हिला रही है, और उसको जनाब आदमी और दूसरी जो है छोटी वो माँ के गोद में अभी आवाज़ आ रही होगी आपको चीखने चिल्लाने की, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम हरी मिर्चें उतर देंगे, बारीक से बारीक कुतरेगा, जितनी बारीक कुतरेगा इतना अच्छा है, वरना अगर आपके पास हरी मिर्च की चटनी कुटी भी है, तली भी है, पीसी भी है, तो उसका इस्तेमाल करें। तो ये हरी मिर्चें हमारे लिए काफ़ी हैं, मैंने इसकी कट कुतर दी। हरी मिर्चों के बाद धनिए की बारी है। धनिया हम लाके धोने के बाद कागज़ में रख के लपेटने के बाद एक डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। धनिए की वो हालत तो नहीं होती जो बाहर से एकदम ताज़ी हो, लेकिन फिर भी धनिया धनिया है, और धनिया बहुत इम्पोर्टेंट है इस किस्म के खाने पकाने के लिए। तो मैंने धनिया भी कुतर दिया, और इसको भी एक प्याली के अंदर साइड में रख देंगे। अब बारी है प्याज की, प्याज बहुत छोटी सी लीजिए, और छोटी की भी आधी लीजिए, प्याज हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। प्याज का साइज़ मैं आपको दिखा दूँगी, छोटी सी प्याज, इसको आधी हमें चाहिए। सफाई के बाद मैंने कर ली, और उसको मैं कुतर रहा हूँ। एक तरफ से कुतर जाए तो फिर आप दूसरी तरफ बारीक कर लीजिए इसको, इस तरह बिल्कुल बारीक कर लीजिए, जितनी बारीक हो सके बारीक।
अब एक प्याली में एक बड़ा चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैंने जीरा लिया है, ये जीरा है, बड़ा चम्मच, बड़ा चाय का चम्मच, बड़ा चाय का चम्मच, चाय का से थोड़ा बड़ा होता है, खाने के चम्मच से थोड़ा सा छोटा होता है, वो लीजिए। मैंने इस तरह हमारी चार चीज़ें हमने निकाल दी, हरी मिर्चों को कुतर लिया, धनिए को कुतर लिया, प्याज को कुतर लिया, और धनी साबित जीरा, साबित जीरा जो है एक चाय का चम्मच बड़ा वाला। अब बेसन की बारी है। मैंने बड़ा खाने का चम्मच, खाने के भी छोटे बड़े चम्मच होते हैं, ये बड़ा खाने का चम्मच है, खाना टेबल स्पून जिसको कहते हैं, उस पे दो चम्मच ले लिए। इसमें से डेढ़ से दो चम्मच जो है ये बेसन लगेगा, या बेसन अगर आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लावर डालिएगा बेसन। तो अब हमारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो गई। आखिरी आइटम रह गया इसको, ये जनाब आली बेकिंग पाउडर है, फोस्टर क्लार्क्स का बेकिंग पाउडर, ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये क्वार्टर चम्मच से भी कम, चाय के क्वार्टर चम्मच से भी कम लगेगा, वो हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। और नमक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये जनाब ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चीज़ें हो गई, और हमें ऑयल लगेगा इसको फ्राई करने के लिए। अभी हम मिक्स कर लेंगे। हमने दाल को निथार दिया था भिगोने के बाद, आधे से एक घंटा कम से कम भिगोइए। उसके बाद दाल को हमने छन्ने में रखा था ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए, पानी हमारा निकल चुका, दाल भीग चुकी। इसको दो तरीके से पकाया जा सकता है, एक तो ये तरीका है कि इसको जग में डाला जाए और थोड़ा सा पानी डाला जाए और उसको पीस लिया जाए, लेकिन मुझे दाल के पूरे पूरे दाने चाहिए और क्रिस्पी बनाना है, कड़क से बनेंगे, इसलिए इसको मैंने पीसा नहीं है, मैं पीसूंगा नहीं। सबसे पहले हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा लिया सामने, क्वार्टर चम्मच से भी कम, चाय का बड़ा चाय क्वार्टर चम्मच से भी कम हमने बेकिंग पाउडर लिया था, और उसको मैंने अपने हाथों से मिलाया, आप चाय के चम्मच से मिलाएं, चम्मच से भी आपके सामने मैंने मिला दिया। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज बारीक कुतरी होना चाहिए, हमने प्याज डाल दी, और इसमें हरा धनिया डालेंगे, मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर, और जनाब आली हरी मिर्च हसबे तबीयत डालिएगा, मैंने आधी हरी मिर्चें डाल दी जो मैंने दो कुतरी थी उसमें से आधी डाली है, आधी डाल दी, और ज़ीरा रह गया है, ज़ीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी किस्म के पकौड़े बनाने में, भुजिए बनाने में, ज़ीरा हमने डाल दिया एक चम्मच। और अब इसमें हम बेसन डालेंगे, बेसन, चनों का आटा, और डालते जाएंगे और इसको देखेंगे कि हमें कितनी ज़ीरा ज़रूरत है, और इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक प्याली पानी ऐड करेंगे, एक प्याली पानी मैं लेता हूँ उसको ऐड करके। अब रह गया है इसमें डालना नमक, नमक हसबे तबे डालिए, तकरीबन मैं आधा चाय का चम्मच बड़ा वाला, आधा चाय का चम्मच बड़ा मैंने नमक डाल दिया है, और इसको जब मिलाऊंगा पानी के साथ, पानी ले लूं, पानी की एक प्याली मैंने ली है, तकरीबन सारी पानी की प्याली लग जाएगी, मिलाएंगे। अब इसको हम इस मटेरियल को हम अभी ये जमने पे नहीं आया है, इस मटेरियल को हम चाहे तो थोड़ा सा चॉपर में या जग के अंदर, ग्राइंडर के जग में इसमें थोड़ा सा चला लेंगे मोटा मोटा, ताकि दाने ख़त्म बना हो और हमारा मटेरियल तैयार हो, और फिर इसको तलने के ऊपर ले जाएंगे, फ्राई करने के लिए ले जाएंगे। तो ये जनाब हमारे सारे काम हो गए, मैंने तमाम चीज़ें आपको दिखा दी। मैं इसको थोड़ा सा मोटा
ग्राइंडर के जग के अंदर या चॉपर के अंदर कूट लूँगा, पीसूंगा नहीं इसको समझे, कूट लूँगा मोटा मोटा ताकि इसके दाने अपनी जगह बाकी रहें और हमारा मटेरियल जो है वो तैयार हो जाए और उसके बाद हम इसको फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे चूल्हे जलाने की बारी। हमने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई ऊपर रख दी और कढ़ाई में हम तेल प्योर करेंगे, तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल हमेशा तेल की जब बॉटल ना आए उसकी जो सील होती है उसके बारीक एक सुराख करें ताकि कम से कम तेल जितना इस्तेमाल में कर लेना है वो आप ले सकें। ये भी ट्रिक है तेल की बॉटल का इस्तेमाल करने के लिए। अब फिलहाल मुझे ज़्यादा तेल चाहिए तो मैं इसको में ज़्यादा तेल डालूँगा। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब हम दो चम्मचों की मदद से पकोड़े को, हमारे पकोड़ों को फ्राई पैन में डालेंगे। इन पकोड़ों को यहाँ पे तामिया कहते हैं और यहाँ मिस्र की एक टिकलियाँ सी बनी होती हैं और वो टिकलियाँ जैसे यानी बारीक बारीक किस्म के मिस्र का एक दाल होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस दाल का, उस दाल से वो उसको भिगो के बनाते हैं, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। और हमने जो है वो माश की दाल और दूसरी जो है हमने साबुत मसूर लिया काला और उसके हम पकोड़े बनाएंगे। ये है तामिया। तामिया इसको वो लोग रोटी के सैंडविच बनाते हैं, उसके अंदर भर के खाते हैं। इसे हर तरीके से खाया जा सकता है, ड्राई भी खाते हैं, वैसे भी सूखे भी खाते हैं। मैंने तामिया सैंडविच के लिए नहीं बनाए, सिर्फ तामिया बनाऊंगा और आपको दिखा रहा हूँ कि तामिया क्या चीज़ है, तामिया किस तरह बनाया जाता है, तामिया के पकौड़े किस तरह बनाए जाते हैं। ये अगर वो आइसक्रीम निकालने वाला चम्मच हो तो उससे गोल बन जाते हैं, वो लोग उससे बनाते हैं आइसक्रीम निकालने वाले चम्मच से, वो गोल बनाते हैं। हमने इसको जो भी शेप बन जाए, तमाम मैंने तकरीबन डाल दिए हैं और मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाए, खाली आपको दिखाना मकसूद था तो इतने बनाए। अब इसको तैयारी के बाद किस तरह खाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हमारे तामिया तैयार, आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीन, हल्की आँच पे पकाएं तो बेहतर होता है, मीडियम आँच पे भी पकाए जा सकते हैं, हाई आँच पे भी पकाए जा सकते हैं। मैंने मीडियम और हल्की आंच पे पकाया है, ज़बरदस्त बने, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मैं इसके सिर्फ खाने की रेसिपी के किस तरह इसको सर्व किया जाए, खाया जाए वो मैं आपको दिखा दूँगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।